भैया हम लोग देखेंगे आज अमीन पे चर्चा करेंगे। तो देखा जाता है अमीन में प्रिपरेशन चल रहा था, शायद बाय रिडक्शन देख लिया गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो देखा जाए बाय हाइड्रोलिसिस प्रिपरेशन आप अमीन में, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, यहां पर प्राइमरी एमीन मिलेगा बेटा, प्राइमरी एमीन। यहां पर ध्यान दिया जाए आर एन यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर एच प्लस मतलब एसिडिक मीडियम होगा, ओ एच माइनस नहीं ले सकते, ये हो जाएगा आर एन एच टू, ये फार्मिक एसिड बन जाएगा, प्राइमरी एमीन। यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव एन ट्रिपल बॉन्ड सी, 2H2O, सी फाइव एच फाइव एन एच टू, ये फार्मिक एसिड हो जाएगा, ये भैया फार्मिक एसिड हो जाएगा और प्राइमरी एमीन एनिलीन हो जाएगा। यहाँ पर एच प्लस ही लेंगे, ओ एच माइनस नहीं ले सकते। नोट, आइसोसाइनाइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन, आइसोसाइनाइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन इन बेसिक मीडियम। आइसोसाइनाइड इज नॉट हाइड्रोलाइज इन बेसिक मीडियम एज कार्बन हैज लोन पेयर एंड ओ एच माइनस इज अनेबल टू अटैक ऑन इट। कार्बन हैज लोन पेयर एंड ओ एच माइनस इज अनेबल टू अटैक ऑन इट। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसो साइनेट। यहां पर भैया आर एन सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर 2KOH, आर एन एच टू, के टू सी ओ थ्री, सी
CH3NH2 K2CA3। ये हो जाएगा आगे बाई हाफ मैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस या रिएक्शन। By Hoffman bromide reaction यहाँ पर RCONH2 Br2 यहाँ पर 4KOH RNH2 K2CO3 प्लस 2KBr प्लस H2O। कार्बन की संख्या अगर यहाँ पर n है तो कार्बन यहाँ पर n-1 हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन बनेगा, एक कम हो जाएगा। यहाँ पर भैया ये KOVr भी बन सकता है इन दोनों के रिएक्शन से, तो Br2KOH अगर ना लिया जाए और KOVr ले लिया जाए तब भी मानेंगे कि वही बनेगा। अच्छा CH3 यहाँ पर CONH2, मान लो आपसे यहाँ पर Br2 के साथ भैया NaOH दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब बताओ, तब भी आप वही करोगे CH3NH2 K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O यहाँ पर NaOBr आ जाएगा। NaOBr ये चीज जाएगा C6H5 यहाँ पर Br2 यहाँ पर 4KOH यहाँ पर प्लस 2KBr प्लस 2H2O। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट अगर NaOH लिए हो तो थोड़ा सा हमने गलत लिख रखा है, बाई प्रोडक्ट पूछा नहीं जाता। यहाँ पर Na2CO3 हो जाएगा, यहाँ पर 2NaBr हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया तो ये हो जाएगा। मैकेनिज्म देखा जाए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म पे चर्चा करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर पहले रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं RCONH2 RCONHBr यहाँ पर KOH ले लेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो
ऐसा होता है तो आर सी ओ एन बी आर, यहाँ पर के प्लस हो जाएगा और एन माइनस हो जाएगा। अब ये एच टू ओ बन गया वाई प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, आर सी ओ एन बी आर, यहाँ पर के प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो के बी आर, आप मान लो के बी आर यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर बांड बना लेगा और आर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एन सी डबल बांड ओ के बी आर। यहाँ पर भैया आर एन सी डबल बांड ओ, यहाँ पर अभी अभी बताया गया टू के वेच ले लेते हैं, ये यहाँ से ये निकल जाएगा आर एन एच टू, ये के टू सी ओ थ्री हो जाएगा आर एन एच टू और ये हो जाएगा के टू सी ओ थ्री, ये बन जाएगा भैया। ये हो गया क्या प्राइमरी अमीन। यहाँ पर इंटरमीडिएट पांच बनेंगे, फाइव इंटरमीडिएट, एक बी आर माइनस, दूसरा नाइट्रीन, तीसरा यहाँ पर ये दिख ही रहा है एक, ये इसको तीसरा मान लें, चौथा मान लें, पांचवा मान लें, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रीन आर सी ओ एन एच बी आर आर सी ओ एन बी आर के प्लस एन माइनस और आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया। आगे गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस में देखा जाए बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग थैलिक एसिड लेते हैं, ये थैलिक एसिड ले लिए, ये सी डबल ओ एच, ये सी डबल ओ एच, हीट करेंगे एच टू ओ निकल जाएगा, हीट करेंगे एच टू ओ निकल जाएगा। तो यहाँ पर एच टू एन एच अमोनिया, एन एच हो जाएगा, यहाँ पर के ओ एच, यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकल जाएगा, तो यहाँ पर सी ओ तो यहाँ पे भैया हम लोग देख रहे थे थोड़ा गड़बड़ हो गया इसको, यहाँ पर हम लोग ये सी ओ और ये हो जाएगा एन एच, सॉरी एन यहाँ पर के हो जाएगा, एन माइनस के प्लस,
अब यहाँ पर आर एक्स लेंगे, इस आर एक्स पे ध्यान देना है, मतलब आप कोई ऐसा कंपाउंड नहीं ले सकते जहाँ पर एक्स जो है हेलोजन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हो। तो यहाँ पर के प्लस और यहाँ से एक्स माइनस निकल जाएगा, यहाँ से ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर यहाँ पर ये हो जाएगा, बांध टूटेगा ऐसे, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर वाटर आप ले रहे हो, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो ये सी से ओ एच जुड़ जाएगा और एन से एच जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये थायलिक एसिड बन गया। और ये प्राइमरी एमीन बन गया। यहाँ पर नोट करके ये देखना है, यहाँ इफ हैलोजन प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन देन रिएक्शन, सॉरी देन सच हैलाइड डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो अगर हेलोजन डबल लाइक, ये ध्यान दो, सी एच टू सी एच हेलोजन ये नहीं टेक पार्ट करेगा, ये हेलो बेंजीन, ये नहीं टेक पार्ट करेगा, ये नहीं भाग लेगा। लेकिन अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं है तो ये टेक पार्ट करेगा। ये टेक पार्ट करेगा, इसका मतलब जहां पर एक्स था वहीं पर एन एच टू आ गया है। भैया देखें, जहां पर एक्स था वहीं पर एन एच टू आ गया है, तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये कंपाउंड बनेगा, ध्यान दें, अगर आपसे कहा जाए कि क्या यह कंपाउंड बनेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। आपसे कहा जाए कि क्या यह कंपाउंड बनेगा, आपका आंसर होगा नहीं, ये कंपाउंड बनेगा, आंसर होगा हाँ, ये कंपाउंड बनेगा, आंसर होगा हाँ ये बनेगा। तो ये चीज़ भैया ध्यान रखिएगा, कौन टेक पार्ट कर पाएगा, कौन टेक पार्ट नहीं कर पाएगा, कौन बनेगा, कौन, अभी ही सब क्वेश्चन में दे देंगे कि इसमें से कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन रिएक्शन में भाग ले सकता है कौन नहीं ले सकता। तो ये हो जाएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगला हो जाएगा बाई स्मिट मेथड, स्मिट रिएक्शन।
बाईस्मिट रिएक्शन। यहाँ पर प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, आर सी ओ एच, यहाँ पर एन थ्री एच, कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर, कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर। तो यहाँ पर सी ओ टू हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से एन टू निकल जाएगा और एक एन बचेगा, एच बचेगा, एच बचेगा, तो यहाँ पर आर एन एच टू हो जाएगा। यहाँ से सी ओ टू गैस निकल जाएगी, कौन सी गैस निकलेगी ये ध्यान रखिएगा, एन टू गैस निकल जाएगी। कार्बन की संख्या अगर यहाँ पर एन है तो कार्बन यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा। कौन सी गैस निकलेगी ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भैया सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एच। एन थ्री का नाम हाइड्राजोइक एसिड है, कई बार नाम पूछ लें अगर तो फिर परेशान मत होंगे। कंसंट्रेट एच टू एस फोर, हाइड्राजोइक एसिड। यहाँ पर भैया ये सी ओ टू निकल जाएगा, ये आ जाएगा। तो कार्बन यहाँ पर जितने रहे होंगे उससे एक कार्बन यहाँ पर कम हो जाएगा। कर्टियस मेथड, कर्टियस मेथड, यहाँ पर आर सी ओ सी एल, यहाँ पर सोडियम एजाइड, यहाँ पर ये सी एल माइनस, यहाँ पर एन ए प्लस, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो आर सी ओ एन थ्री हो जाएगा, माइनस एन ए सी एल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें लोन पेयर है, ये आर यहाँ से, आर यहाँ से आकर यहाँ पर शिफ्ट करेगा और एन टू निकल जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर माइनस एन टू निकल गया। अब यहाँ पर टू के वेच ले लेते हैं, टू के वेच ले लेंगे तो यहाँ से भैया ये के टू सी ओ थ्री निकल जाएगा, तो ये आर एन एच टू के टू सी ओ थ्री बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जितने कार्बन रहे होंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा नाइट्रीन। हम लोग दो रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है, संयोग से दोनों इसी चैप्टर में हैं। एक तो कर्टियस रिएक्शन है और दूसरा है हाफ मैन ब्रोमाइड मेथड। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल, एन ए एन थ्री, एन ए एन थ्री, तो यहाँ पर एन ए सी एल निकल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस।
ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा, तो ये बन गया एमिन, फ्रॉम एमिनो एसिड। फ्रॉम एमिनो एसिड BaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, एसिड है ये, रिएक्ट करके यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3NH2, यहाँ पर BaCO3H2O, कार्बन यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एमीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, लोअर मेंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन आर वाटर सॉल्युबल। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर मेंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन इज वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ध्यान दें, ये जैसे मान लो CH3, अच्छा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर कहा जाए, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, ये टर्शरी एमीन इनसॉल्युबल होगा, इट इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें बेटा, मान लो सभी प्राइमरी एमीन हैं तो ब्रांच
बढ़ने पर, मान लो सभी प्राइमरी अमीन हैं, ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, जहां पर NH2 होगा वो प्राइमरी अमीन होगा, और ये प्राइमरी अमीन है। ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी एज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। डिक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज, हो जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मोर देन हाइड्रोकार्बन, ऑफ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इन केस ऑफ डिफरेंट एमीन, ऑर्डर ऑफ एंड मेल्टिंग पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन का ऑर्डर हो जाएगा। चलो भैया, आर्ट रीजन वही कि प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, सेकेंडरी अमीन में कम बनेगा, और टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ये टर्शरी है, ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अगर यही जो ब्रांच बढ़ जाएगी, यहाँ पर ध्यान दें, अगर ब्रांच बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगी। ये सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रेंथ, इट इज लुईस बेस, ड्यू टू हैविंग लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन।
इट्स बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्लेन्ड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। यहां पर भैया कॉन्जुगेट एसिड लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये आर एन एच थ्री प्लस हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ओ एच माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आर एन एच टू हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा किया जाए तो ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओ एच यहाँ पर ज़्यादा होगा तो के वी भी ज़्यादा होगा। के वी को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहेंगे। के वी ज़्यादा होगा तो पी के वी कम होगा। पी के वी कम होगा तो पी के ए ज़्यादा होगा। आपको पीछे समझाया गया था यहाँ पर ध्यान दें। अच्छा ये ओ एच माइनस जब ज़्यादा होगा तो कॉन्जुगेट एसिड का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा चूँकि दोनों साथ में बनेंगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इसलिए इसको स्टेबल होना चाहिए और इसको स्टेबल होगा तो माइनस सॉरी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट और डायरेक्टली हाइड्रेशन के यहाँ पर आई ई यहाँ पर लिख दे रहे हैं आई ई डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा हाइड्रेशन के और इनवर्सली पोस्ट हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के। यहाँ पर ध्यान दे बेटा ऊपर देखें हाइड्रेशन का मतलब इंट्रैक्शन विद वाटर। वाटर से एमीन जितना इंट्रैक्ट करेगा उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतना ज़्यादा ओएच बनेगा हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस अगर हम लोग देखें तो एन एच थ्री आर एन एच टू प्राइमरी एमीन आर टू एन एच आर थ्री एन कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा एन एच फोर प्लस आर एन एच थ्री प्लस आर टू एन एच टू प्लस आर थ्री एन एच प्लस कॉन्जुगेट यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। यहाँ पर ध्यान दे बेटा ये एन एच है ये एच है ये छोटेज का है यहाँ पर प्लस वाटर अप्रोच करना चाहे तो यहाँ से पहुँच सकता है यहाँ से पहुँच सकता है यहाँ से भी पहुँच सकता है पर एन एच यहाँ पर आर यहाँ पर आर यहाँ पर आर ये बड़े साइज का है वाटर अप्रोच करना चाहे यहाँ पर तो पहुँच सकता है यहाँ पर नहीं पहुँच सकता यहाँ पर भी पहुँचना चाहे नहीं पहुँच सकता तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है बट इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस आई इफेक्ट सॉरी हाइड्रेशन डिक्रीजेज बेसिक सॉरी सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अब दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके देखें दस ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट
ऑफ हाइड्रेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सेकेंडरी एमीन इज मोस्ट स्टेबल, हेंस सेकेंडरी एमीन इज मोस्ट बेसिक। दस ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, फिर अमोनिया 213 अमोनिया, यहाँ पर C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल ट्वाइस N, C2H5 NH2 NH3 सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी अमोनिया। नोट, इन गैसियस स्टेट आर इन एनहाइड्रस मीडियम लाइक इन बेंजीन CH2 CCl4 ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये अमोनिया हो जाएगा। अगर एनिलीन भी कह दिया जाए तो एनिलीन बाद में रखेंगे ड्यू टू रिजोनेंस लेस बेसिक। ये सब आपको पढ़ाया गया है पहले, इसलिए बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं।